मध्य प्रदेश के कटनी जिले की बात करेंगे। शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार कई प्रयास कर रही है। नौनिहालों को शिक्षा देने के लिए सरकार करोड़ों रुपए का बजट लेकर आती है। बता दें कि बच्चों को शिक्षा व्यवस्था को लेकर आए दिन कोई ना कोई आदेश जारी करके व्यवस्था सुधारने के आदेश भी दिए जाते हैं, लेकिन स्कूली शिक्षक सरकार की इस प्रयास पर पलीता लगाते हुए नजर आते हैं। जिले के कुछ शिक्षक अपनी मनमानी करते नजर आए हैं और कुछ इसी तरह का वाक्य आज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस प्रकार से बच्चों के भविष्य से ये खिलवाड़ किया जा रहा है। दरअसल मामला मध्य प्रदेश के कटनी जिले का है, जहां ढीमरखेड़ा जनपद विकास खंड के अंतर्गत एकीकृत शासकीय माध्यमिक शाला पौड़ी खुर्द स्कूल में बच्चे मजदूरी करते नजर आ रहे हैं। यह बच्चे बाकायदा स्कूल ड्रेस पहने हुए हैं, जिनसे स्कूल समय में अन्य मजदूरों के साथ तगाड़ी से मलबा ईंट पत्थर ढुलवाया जा रहा है। इस वायरल वीडियो पर जिला शिक्षा अधिकारी को अवगत करवाया गया है। उनका कहना है कि तत्काल संपूर्ण जानकारी लेकर संबंधित स्कूल के खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी। कटनी से जाहिद हुसैन की रिपोर्ट। ये अभी आपके द्वारा ये जानकारी मेरे संज्ञान में लाई जा रही है, माध्यमशाला पौड़ी कला के वीडियो वायरल होने के बारे में। मैं अभी बीओ और बीआरसी से जानकारी लेता हूँ, क्या परिस्थितियाँ हैं, कैसे ये वीडियो वायरल हुआ, और इसके बाद मैं विधिवत जांच करा के उसका जांच प्रतिवेदन लेकर के और संबंधित के विरुद्ध जो है कार्यवाही जो है अगर मेरे स्तर की है तो मैं करूँगा, अन्यथा जो है सक्षम अधिकारी को प्रस्तावित करूँगा। लेकिन सर, वीडियो में बच्चे जिस तरह से मजदूरी कर रहे दिख रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं अब ये जाँच करानी पड़ेगी परिस्थितियों की, क्या मतलब मैंने तो वीडियो अभी देखा नहीं है ना, अब देख करके और संबंधित अधिकारियों से जानकारी लेकर के फिर मैं कार्रवाई करता हूँ। तो स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते हैं या मजदूरी पढ़ने जाते हैं? पढ़ने जाते हैं और मजदूरी कराने का तो सवाल ही नहीं उठता है। हाँ, वो तो कोई मतलब इसका उचित नहीं। तो इस संदर्भ में कब तक कोई कार्रवाई की हम तुरंत करेंगे, बस हमारे पास अब संबंधित डॉक्यूमेंट और या साक्ष्य आ जाए और मैं उनसे प्रतिवेदन ले लूँ, इसके बाद कार्रवाई करेंगे।